हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने जॉर्ज इलियट के 3 मेजर वर्क्स को उनकी स्टोरी के साथ डिस्कस किया था। और आज हम करने जा रहे हैं उनके नेक्स्ट 3 जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। आइए देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके नॉवेल से रिलेटेड। रोमोला जो है, पिछली वीडियो में हम जो है उनके 3 वर्क्स एडम बेड, द मिल ऑन द फ्लोस और सिलास मार्नर को कर चुके हैं। अगला जो नॉवल है उनका, इम्पोर्टेंट नॉवल है सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो हम, वह है रोमोला। अब रोमोला के अंदर आपको पूरी स्टोरी डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ 2-3 मेजर बातें हैं जो आपको याद रखनी है, सिर्फ उतना कर लेना ही काफ़ी रहेगा। सबसे पहले तो ये हिस्टोरिकल नॉवल है, ठीक है, और यह फ्लोरेंस में सेट है। कब? जो लेट 15th सेंचुरी है उसमें सेट है, जब रेनेसा जो चल रही थी तब की बात जो है इस नॉवल में की गई है। इस नॉवल में मेनली 2 बातें जो है हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो इसके अंदर हमें यह है टच देखने को मिलता है कि रेनेसा जो टच है वो देखने को मिलता है। और दूसरा, लेट 15th सेंचुरी के अंदर फ्लोरेंस के अंदर जो मेडिसी साम्राज्य था वो ख़त्म हो जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यह एक हिस्टोरिकल नॉवल है। दूसरा कि यह एक बुक के रूप में आने से पहले कॉर्न हिल मैगजीन में छपा था। अब ये 1862 से लेकर के 1863 तक यह कॉर्न हिल मैगजीन में छपता है, उसके बाद ये बुक के रूप में पब्लिश हो जाता है 1863 के अंदर। अब इसके बारे में इलियट एक बात कहती हैं कि रिटन विद माई बेस्ट ब्लड, मैंने इसको लिखने में मतलब मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। एक तो ये कि ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है, कॉर्न हिल मैगजीन में छपता है और इसके बारे में ये बातें कही गई हैं। अब इसके अंदर क्या है, स्टोरी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये है कि टीटो जो है एक ग्रीक स्कॉलर है जो ग्रीक से यहाँ फ्लोरेंस आता है और वहाँ पर एक ब्लाइंड स्कॉलर है उसके यहाँ पर स्टडी करता है, उनके साथ रहता है। उसकी बेटी जो होती है वो रोमोला है, उससे उसके साथ शादी कर लेता है। लेकिन यह टीटो एक अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, इसके जो पीछे के रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। और जब वो जो शादी करता है रोमोला के साथ, उससे पहले उसकी एक और ऑलरेडी शादी होती है। अब उस शादी में भी वो दोनों ही पत्नियों को क्या है, धोखा दे रहा है। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक तो हमें यह देखने को मिलता है कि स्कॉलरली जो व्यू है, यानी जो हमारे हम कह सकते हैं कि रेनेसा की जो टच है वो देखने को मिलती है। दूसरी, जो पॉलिटिकल जो वो अपहेवल है, यानी जो इसके जो फादर हैं, टीटो के फादर हैं, वो पॉलिटिकल जो करप्शन है उसको ये टीटो जब प्रेजेंट करता है तो वह इसको मार भी देते हैं। तो हमें दोनों ही टच जो है ना इस नॉवल के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको इसकी स्टोरी से कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने लिखा है आपके लिए मोर देन एनफ है। फेलिक्स होल्ट जो है इसका आपको पब्लिशिंग डेट याद रखनी है और ये याद रखना है कि ये रिफॉर्म एक्ट के बारे में है, एक पॉलिटिकल नॉवल है। आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो पॉलिटिकल नॉवल है जो रिफॉर्म एक्ट 1832 को दिखाता है, वर्किंग क्लास के लिए जो इलेक्ट्रिक सिस्टम, जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो चेंज किया गया था उसके बारे में है। यानी यूँ कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास को भी इलेक्शन में अपने वोट देने का अधिकार के बारे में ये जो एक्ट था ये था। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है कि फेलिक्स होल्ट जो है वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉल्सली जो है वर्किंग क्लास की तरफ मिलना दिखाता है, लेकिन अंत में पता ही चल जाता है कि ये जो है धोखाधड़ी कर रहा है। और ये जो है ये इस्थर जो लियोन है, ये दोनों इससे प्यार करते हैं, बाद में ये समझ जाती है कि ये सही इंसान है। स्टोरी से भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम करेक्टर्स नेम याद रख लेना अगर आप चाहते हो तो, और करेक्टर्स नेम्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब द रेडिकल अबाउट ये जो है ये याद रखना कि रिफॉर्म एक्ट के बारे में है, करेक्टर्स को एक बार गो थ्रू हो जाना बस। अगला है मिडल मार्च, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार इसकी स्टोरी जो है डिटेल से आपको देखनी ही देखनी है। इंपॉर्टेंट बातों को मैंने लिख दिया है और स्टोरी की जो मेन व्यू है, स्टोरी का जो आउटलाइन है वो भी मैं आपको थोड़ा वो समझा दूंगी। और इसको आपको खुद से अपने लेवल पर इसे पूरी तरह रिसर्च करते हुए पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे।
अब देखो इसका सब टाइटल याद रखना है, पहले तो स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, इसकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है, और ये किन तीन बातों का जिक्र करता है, यानी इसके अंदर तीन कौन से इवेंट दिखाए गए हैं, 1832 का रिफॉर्म एक्ट, दूसरी बात यह है कि जो रेलवे सिस्टम आया था वो, और जो किंग विलियम फोर्थ है उस वो राजगद्दी संभालते हैं इसके बारे में है। जो किंग विलियम फोर्थ हैं उससे पहले जॉर्ज फोर्थ थे, जॉर्ज फोर्थ की डेथ के बाद जो है ये राजा बनते हैं, और ये जो चीज़ है ये इस नोवेल में दिखाई गई है। अब इसके बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने एक बात कही है कि जो मैच्योर नोवेल्स, जो ग्रोन अप पीपल्स के लिए जो नोवेल्स लिखे गए हैं, जो बढ़िया नोवेल्स लिखे गए हैं, वो बहुत कम नोवेलों में से ये एक है। अब मार्टिन एमिस और जूलियन बार्नस ने भी इसको क्या कहा है, एक ग्रेटेस्ट नोवेल कहा है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब ये आप ये भी याद रखना, आपको एक बार गो थ्रू हो जाना, लेकिन इसको जरूर याद रखना वर्जीनिया वुल्फ ने इसके बारे में क्या कहा है। अब देखते हैं, देखो इसके अंदर जो है वो तीन स्टोरी चलती हैं, तीन जो मेन स्टोरीज हैं, मेन फ्रेमवर्क की स्टोरी हैं वो चलती हैं। कौन कौन सी? डोरथिया जो है एक जो ऑर्फन गर्ल है जो अपने अंकल के पास रहती है, जेम्स चेतम उसे प्यार करता है लेकिन, और उसके लायक भी है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती है, बल्कि वो कासोबन को पसंद करती है। क्यों पसंद करती है? देखो एक तो वो एज्ड है लेकिन फिर भी वह इसे पसंद करती है क्योंकि क्योंकि वो एक स्कॉलर है और वो जो है बुक पर काम कर रहा है, और उसके जो मैरिज के प्रति जो व्यूज़ थे वो कुछ अलग ही तरह के होते हैं, वो जो आइडलिस्टिक व्यूज होते हैं मैरिज के ऊपर वैसे उसके व्यूज़ थे डोरथिया ब्रोक के। तो आखिर में जब आप स्टोरी डेवलप होती है तो आप देखोगे कि लायक तो ये था लेकिन जो है फैसिनेटेड होकर के क्या करती है, इसे शादी करती है, लेकिन शादी जो है असफल रहती है। क्यों? क्योंकि यह एक स्कॉलर है, यह काम कर रहा है बुक के ऊपर, सारा ध्यान उसका वहीं रहता है और मैरिज जो है वो असफल हो जाती है। अब इसका जो मेन फोकस था ना इस नोवेल का, वो ये दिखाना था कि मैरिज की असफलताएँ दिखाना था, कि मैरिज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो दिखानी थी, और उस कॉम्प्लिकेशंस के रीजंस क्या थे वो बताने थे। अब पहला रीजन हमें समझ में आ गया कि वो लायक को छोड़ करके उस फैसिनेटेड हो जाती है उस चीज़ के प्रति जो उसके लायक ही नहीं, और बाद में उसके परिणाम भुगतती है। अब रोजामोंड जो है वो किसी मेयर की बेटी है, और उस और जो ये लिडगेट है ये एक डॉक्टर है। अब वो जो है वहाँ पर मिडल मार्च जो एक फिक्शनल टाउन है वहाँ पर आता है, यह इसके प्रति जो है वो ये दो बातें सोचती है इसे शादी करने के लिए। एक तो ये है कि यह जो है इसका जो ओद है वो सही है, और यह जो उसकी जो डिमांड्स हैं वो अच्छी तरह से पूरी कर देगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि वो डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता है तो शादी में फिर से निराशा आ जाती है। फ्रेंड विसी और मैरी गार्थ जो है ये जो है पढ़ने के लिए भेजा जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, और जो गैमलिंग वगैरह है उसमें फंस जाता है, और सारा जो इसके पिता का इसका जो सारा पैसा होता है वो ये जुए में हार जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों मैरिज चली, तीनों के अंदर ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये जो मेन फोकस था ना ये दिखाना था मिडल मार्च में जॉर्ज जूलियट का। बाद में तो एंडिंग में तो आप देखोगे कि डोरथिया जो है वो और किसी से शादी कर लेती है और फिर जो है चलती रहती है लाइफ। रोजामेंड जो है फिर वो लिडगेट जो है वो अच्छे पैसे कमा लेता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती है। बाद में इन दोनों की भी शादी हो जाती है। तो मेन मकसद क्या था कि मैरिज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को दिखाना था। वैसे तो और भी बहुत सारे थीम्स हैं लेकिन मेन फोकस जो था वो ये था। अब जो है इससे रिलेटेड जो है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो ये कि करेक्टर्स नेम पूछे गए हैं, आप करेक्टर्स नेम्स जो हैं अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। डोरथिया कासोबन, और जो है एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्रेड विंसी है वो जो है उस कर्जे में क्यों आ जाता है, उसके ऊपर इतना कर्जा क्यों जाता है कि वो चुका ही नहीं पाता, क्योंकि वो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है। अब जो है विद ऑल द एगरनेस टू नो द ट्रुथ्स ऑफ लाइफ सी रिटेन्ड वेरी चाइल्ड लाइक लाइफ अबाउट मैरिज, कहता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसके बारे में कही गई है, कि उसके जो व्यूज़ थे मैरिज के प्रति वो बहुत ही चाइल्ड लाइक थे, किसके बारे में कही गई है, ये जो है डोरथिया के बारे में कहा जाता है इस नोवेल के अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये जो है इस नोवेल से पूछे गए थे।
आपको ये नॉवल जो है वो डिटेल से पढ़ना है, मैं बार बार यही कह रही हूँ। और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, एक बार स्टोरी को आप अच्छे से रीड करें। ओके ओके फ्रेंड्स, आज हमने किया जॉर्ज एलियट को, अगली वीडियो में हम देखेंगे थॉमस हार्डी को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।